नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा। प्रदेश सरकार की आबकारी नीति के तहत शराब नीति में हुए बदलाव पर कांग्रेसी नेताओं के बयानबाजी पर ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने करारा जवाब देते हुए कहा कि जब वीरभद्र सिंह की सरकार में आबकारी नीति अपने चहेतों के लिए बनाई थी और जो पैसा कोष में जाना था वो पैसा वीरभद्र सिंह के चहेतों की जेब में जाता था, लेकिन पहली बार हिमाचल में बीजेपी सरकार के समय में 3 करोड़ से ज्यादा मुनाफा सरकार को हुआ है और आज हिमाचल के अंदर शराब महंगी होने के कारण ब्लैक में बिक रही है और इस धंधे को समाप्त करने के लिए नीति में संशोधन किया गया है जो कि प्रदेश हित में है। उन्होंने कहा कि इससे ब्लैक मार्केटिंग खत्म होगी और प्रदेश सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। 25 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जब जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है तो गरीब लोगों और किसानों की चिंता करती है। उन्होंने कहा कि 1970 में जब भाजपा सरकार सत्ता में आई थी तो उस समय भी प्रदेश में गरीबों के कल्याणार्थ अंत्योदय योजना तथा पेयजल योजना की शुरुआत की गई थी। विधानसभा सत्र 25 तारीख से शुरू हो रहा है और एक नया बजट माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से हिमाचल और प्रदेश के हित का होगा, गाँव के हित का होगा, गरीब के हित का होगा, क्योंकि हमारी सरकार जब भी आती है सत्ता में तो हम गांव, गरीब, किसान इसके बारे में जो है वो हमेशा चिंता करते हैं। अगर हम 1970 से लें जब पहली बार केंद्र में और प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी थी और हमारे विचारधारा के लोग यहां पर आए थे तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही अंत्योदय अन्न योजना उसमें शुरू हुई थी, गरीब को पेंशन देने की बात उसमें शुरू हुई थी, पीने के पानी की योजनाएँ पहली बार जो था वो विभाग की स्थापना हुई थी और फिर जब धूमल जी 1998 में मुख्यमंत्री बने तब यहाँ पर आकर के ही उन्होंने जहाँ बड़े हैंडपंप लगाए, सड़कें बनाई और विकास की एक नई परिभाषा हिमाचल प्रदेश के अंदर लिखी। और अब जयराम ठाकुर जी बने, आपने देखा कि आते ही जहाँ गृहिणी सुविधा योजना जिसको हम सैचुरेशन तक ले गए, आज हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बनाए जहाँ पर हम हर घर में जो है वो LPG गैस जो है वो उपलब्ध करवाई है और हिमाचल प्रदेश जो है वो हिम केयर, जहाँ इस देश के अंदर आयुष्मान भारत की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू की है तो जो वंचित रह गए हैं, जो बीच में शेष रह गए हैं तो उनके लिए जो है वो हमने हिम केयर यहाँ पर योजना जो है वो शुरू की है जिससे जो है वो हजारों लाखों लोगों को जो है उसका लाभ प्रदेश के अंदर जो है वो हो रहा है। और हम ये समझते हैं कि जहां आज जो वर्तमान चुनौतियां हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, हम इन 3 वर्षों के अंदर जो है वो हम लोगों को जो है उसका समाधान देंगे। इसी प्रकार वर्ष 1998 में जब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी ग्रामीण विकास को लेकर पेयजल तथा सड़कों के नेटवर्क को सुदृढ़ कर विकास के नए नए आयाम स्थापित किए गए थे। वहीं 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायत नुमाइंदों को विकास कामों के लिए मिले प्रावधान पर वीरेंद्र कंवर ने कहा कि 14वें वित्त आयोग के अनुसार पहले बजट दिया जाएगा और अब नए वित्त आयोग के तहत भी पंचायतों में विकास होगा। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत पैसों का आवंटन किया जाएगा और लोगों के काम पूरे किए जाएंगे। शराब के बारे में जो विपक्ष की नकारात्मक भूमिका है, क्योंकि जहां जब वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी उन्होंने आबकारी नीति जो थी वो अपने चहेतों के लिए बनाई थी, जो पैसा प्रदेश के कोष में जाना चाहिए था वो पैसा जो था वो वीरभद्र सिंह जी के लोगों के अंदर जो था वो पैसा जाता था और उनके घरों को जो है वो भरा जाता था। लेकिन सरकार हम बनी, हमने उस आबकारी नीति को बदला और इस बार जो है वो पहले से ज़्यादा, यानी कि 300 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट जो है वो हिमाचल प्रदेश को जो है वो हुआ है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर शराब महंगी होने के कारण एक ब्लैक में जो है वो शराब जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर पैरेलल चल रही है। हम उस पैरेलल जो यहाँ पर जो शराब का धंधा यहाँ पर होता है उसको समाप्त करने के लिए जो है वो कुछ हमने इस नीति में जो है वो संशोधन किया है जो प्रदेश हित में है। इसमें जो है वो ठीक शराब भी मिलेगी और ठीक से जो है
वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ब्लैक मार्केटिंग है वो भी समाप्त होगी और हिमाचल प्रदेश का राजस्व भी जो है वो इससे बढ़ेगा जो हम जनहित के लिए जो है उसको खर्च करेंगे। उसके बाद भी पंचायतें ही बनेंगी। जो घोषणाएं नहीं है कोई भी है, व्यवस्थाएं होती है जो 14वें युग वित्तयोग की जो व्यवस्था थी तो उसके अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। 15वां वित्तयोग में जो प्रदेश सरकार ने सिफारिशें की हैं कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनको ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए तो उस हिसाब से प्रदेश की बात को जो है वो 15वें वित्तयोग में माना है और उसमें जो है वो हम उसके अनुसार जो है वो पैसे का आवंटन करेंगे। और जो पैसा हमारी अल्टीमेट सोच है कि जो पंचायतें हैं, पंचायत समितियां हैं और जिला परिषद जो हैं वो मिल बैठ करके जो है वो गांव के लिए जो है वो योजनाएं बनाए और उस पैसे का जो है वो पूरा सदुपयोग जो है वो यहाँ पर हो। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से संख्य रिपोर्ट। अपने शहर का करें आकलन, उठाएं नागरिक की आवाज और बताएं क्या आपका धर्मशाला शहर जीवन यापन की दृष्टि से उत्तम है या नहीं, जिसके आधार पर पेश किया जाएगा ईज ऑफ लिविंग एवं नागरिक अनुभव का रिपोर्ट कार्ड। तो आप भी ईज ऑफ लिविंग परसेप्शन सर्वे में भाग लेकर शहर के प्रति अपना विचार साझा करें। तो उठाए अपना फोन और बार कोड को स्कैन करके कहे अपने दिल की बात। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.lifetimes.tv।